13 तारीख तक 3800 जिले में जांच की व्यवस्था हो जाएगी। यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का लगभग 52% है। जितने सैंपल्स की जांच की गई है उसमें 5% व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार समीक्षा बैठक करते हैं, डिजिटली ये नज़र रखते हैं अलग अलग ज़िलों का डेवलपमेंट कैसा है, हर क्षेत्र को वो जांचते परखते हैं। उसी को लेकर उनके जितने भी पदाधिकारी हैं ये विस्तृत जानकारी देते हैं कि किस ज़िले में क्या डेवलपमेंट हुआ, कहां पर क्या काम होना है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं लोकेश कुमार सिंह, वो बता रहे हैं कि बिहार में 13 जून तक 3800 जिले में जांच की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे डिटेल्स भी शेयर किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। उन्होंने कुल 109483 सैंपल की जांच की है और कुल कोविड पॉजिटिव मामले जो आए हैं वो हैं 5583। इस प्रकार जितने सैंपल्स की जांच की गई है उसमें 5% व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं कोविड-19 के वो 219 हैं, और पिछले 24 घंटे में जो ठीक हुए मरीजों की संख्या है वो 164 है। इस प्रकार कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 2934। यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का लगभग 52% है। तो इस प्रकार जितने व्यक्तियों में अभी संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें 52% लोग ऐसे हैं जो उससे निजात पा चुके हैं और निगेटिव हो चुके हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, 2614 एक्टिव केसेस हैं आज की तिथि में हमारे राज्य में। जहां तक 3 मई के बाद अपने गृह राज्य लौटे व्यक्तियों की जांच का प्रश्न है, इन लोगों की एक निश्चित पद्धति से रैंडम तरीके से और सर्वेक्षण के आधार पर सिम्टम्स की पहचान करके भी जाँच की जा रही है, तो कुल 3989 जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गृह राज्य लौटे हैं 3 मई के बाद और उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगर कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या देखें और उनमें 3 मई के बाद अन्य राज्यों से अपने गृह राज्य में आने वाले व्यक्तियों में संक्रमण को देखें तो यह कुल मिलाकर के कुल संख्या का 71% होता है, 71%। जहाँ तक कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों में मोर्टालिटी का प्रश्न है, एक अन्य मामला पिछले 24 घंटे में प्रकाश में आया है। ये 59 ईयर्स के व्यक्ति थे और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ये महाराष्ट्र से आए थे हाल ही के दिनों में और इनमें कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इनमें सिम्टम्स भी था, कफ, फीवर और सांस लेने में तकलीफ, परंतु साथ ही ये अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थे। जो हम लोग के पास सूचना है उसके अनुसार वे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की उन्हें पहले से शिकायत थी। इस प्रकार यह भी जो मामला है उसमें मृत व्यक्ति के में कोमॉर्बिडिटी पाया गया है। जहाँ तक आज व्हाट्सएप ग्रुप पे एक प्रश्न आया है टेस्टिंग लैब के बारे में, तो जैसा आप लोग अवगत हैं कि बिहार सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि हम अपनी जांच की क्षमता को बढ़ाएं, और न सिर्फ क्षमता को बढ़ाएं बल्कि इसको अन्य जिलों में विस्तारित करें और हर जिले में विस्तारित करें। तो आज की तिथि में RT-PCR जांच हमारा 6 जगह हो रहा है। ये 6 जगह हैं RMRI, एम्स, IGIMS, PMCH, DMCH, SKMCH। उसके अलावा CBNAT बेस्ड जांच हो रहा है, वो हो रहा है आपका भागलपुर में। उसके अलावा TrueNAT मशीन पे जो जांच हो रही है वो जिलों में हो रही है। और अभी अगर हम सभी प्रकार के जांच को देख लें तो 32 जिले में हमारी जांच की व्यवस्था आज की तिथि में हो गई है, और बाकी कल तक हम लोग ये जिला बढ़कर 34 हो जाएगा और 13 तारीख तक 3800 जिले में जांच की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक ग्रुप में मांगा गया था जिले का नाम, तो अभी सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, अररिया, शेखपुरा और समस्तीपुर,
ये 6 जगह अगर छोड़ दें तो 32 जगह ट्रूनेट मशीन हमारी या आरटीपीसीआर मशीन से हमारी जांच हो रही है। ये 6 जगह जो सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, अररिया, शेखपुरा और समस्तीपुर, 6 जिले भी अगले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर जांच का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, लोकेश कुमार ने बताया है कि आज यानी कि 10 जून तक बिहार के 32 जिलों में ये व्यवस्था हो चुकी है कि जांच हो पाएगी। कल की उन्होंने बात की है कि 34 जिले ऐसे हो जाएंगे जहां पर कोरोना की जांच हो पाएगी। उसके बाद 13 जून तक का समय उन्होंने बताया है जब बिहार के 3800 जिलों में कोरोना की जांच हो पाएगी, जो कि बिहार की बेहतरी के लिए होगा। जितने ज़्यादा जांच हो पाएंगे उतने ज़्यादा मरीजों का इलाज जल्द से जल्द हो पाएगा। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 13 तारीख तक 3800 जिले में जाँच की व्यवस्था हो जाएगी। यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का लगभग 52% है। जितने सैंपल्स की जांच की गई है उसमें 5% व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है।